Hi guys, Simki Sachim here. This is me, Sahirish. My name is Sadiq. Salima. और आज हम करने वाले हैं शिवानी इज बैक, वापस आ गई है. मर्दानी टू. मर्दानी टू. मर्दानी शिवानी नाम था उनका. हाँ, उसने उसमें स्टार यानी एज अ रोल वो शिवानी के नाम से. अच्छा, वैसे इसके जो पोस्टर आए थे ठीक है, और उसमें जो पूरे गेटअप में थी इंस्पेक्टर, कितना अलग लग रहा था. मतलब ऐसा कि अब आई जरूर कुछ धमाकेदार करने वाली है. सीरियल मर्दानी जब आई भी थी ना, तो मैंने भी एक्सपेक्ट किया था कि रानी मुखर्जी इतनी खतरनाक होगी और यू नो ऐसा इतना जबरदस्त रोल कर लेगी एज अ पुलिस ऑफिसर. यस, अगर हम लोग 2002 में जाएं तो उन्होंने साथिया रिलीज हुई थी. कितनी मासूम सी भोली भाली लड़की, और अब जब कर रही मर्दानी, तो मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतनी भोली भाली लड़की को इस तरह ना डाल देंगे. अरे यार, यानी उस रोल में आना कितना डिफिकल्ट, फुल एनर्जी के साथ, फुल एक्सप्रेशन के साथ, वो भी स्ट्रिक्ट देखा जाए तो, क्योंकि रानी मुखर्जी आदित्य चोपड़ा की वाइफ होती है, तो YRF ने इसको प्रोड्यूस किया, तो इनकी होम प्रोडक्शन है, तो उस वजह से फिल्म काफी. इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं गोपी पुत्रन. तो प्लीज आप मुझे छोड़ सकते हैं. इस भयानक वारदात से सिर्फ कोटा शहर ही नहीं, पूरा देश हिल गया है. ब्रूटल सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है. सीमन सैंपल्स एक है या कई और? सिर्फ एक. शी इज बीन टॉर्चर्ड, रेप्ड एंड मर्डर्ड. हर साल देश भर से लाखों बच्चे इस छोटे से शहर में पढ़ने के लिए आते हैं. इस केस का असर सिर्फ इस शहर में नहीं, पूरे देश में होगा. We have to catch a suspect soon, Shivani. I promise you, इस राक्षस को मैं कॉलर से घसीटते हुए कोर्ट ले आऊंगी. वारी शिवानी शिवाजी राय. मैं आपके लिए आया. आज शाम से पहले एक और लोंडिया उठा रहा हूँ. दो दिन बाद वो भी किसी नाले में बहती मिलेगी. दमाए तो रोक ले जा. कोटा की पूरी पुलिस फोर्स रात भर काम करेगी. कोई ब्रेक नहीं लेगा, सोएगा नहीं. दो दिनों में पकड़ेंगे साले को. मुझे तो लगता है ये साला हमें काम पे लगा रहा है ताकि चुपचाप ये शहर छोड़ के भाग सके. ढूंढो उसे. You've been played, Shivani. Shivani, just get that bastard. I will. Wow. Yaar, I mean... Wow. अच्छा, ऐसे लोग जो होते हैं उनके साइको होते हैं कि वो इस तरह से कभी नॉर्मल इंसान तो नहीं कर सकता. हाँ, ये नॉर्मल तो नहीं कर सकता बिल्कुल भी. बिल्कुल यार, देखा यानी किस तरीके से यार, पहले वो, फिर उसके बाद मर्डर हुई इतनी बुरी तरह से, बोरी बन में, फिर या, exactly. बहुत गलत था.
उसमें उसको ब्रूटली मारा गया, तो ये बता भी रहा था ना ट्रेलर के दौरान बच्चे पढ़ने के लिए आते, लेकिन ऐसे इंसिडेंट हुआ पूरा देश में जाएगा, मतलब पूरी कंट्री इसमें इफेक्ट होगी, तो ये मुझे लगता है ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है. It's very frightening, but you know, जिस तरह से हमने create किया, that was outstanding. बहुत अच्छा था. और वही रानी की जो acting, मैं ढूंढ कर निकालूंगी और कॉलर से उसको पकड़ के लाऊंगी. यार ये मूवी वाकई देखने वाली है, और ये रिलीज भी हो रही है 20 दिसंबर जब इमरान हाशमी मूवी रिलीज होने वाली है. चलो दोनों ही मूवी हमें बहुत ही अच्छी लग रही है, आई होप कि दोनों ही सक्सेसफुल जाए. ये तो बिल्कुल हो गया. मैं साथ से भी बोलना चाहूंगा, ये एक तो 13 दिसंबर को जो रिलीज हो रही है आपकी मर्दानी, मतलब कंपटीशन स्टिफ है. हाँ, बहुत ज्यादा ज्यादा, क्योंकि इसकी भी स्टोरी स्ट्रांग है, क्योंकि इस ट्रू स्टोरी पे बेस हुआ और ऑलरेडी काफी अट्रैक्टिव हो रही है. तो मुझे लग रहा है कि सब है ना पहले है ना इसी को ये ना देखेंगे, क्योंकि रियल स्टोरी पे एक तो बेस हुई है ना कि क्या हुआ था. हां, और स्क्रिप्ट्स दोनों की पावरफुल है, मतलब जो बॉडी का मैं सोच रहा था, बॉडी का भी इतना पावरफुल स्क्रिप्ट है जितना इसका है, तो दोनों की यू नो टक्कर में. हां, किलिंग पे दोनों का इशू यही था कि पता ही नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है. हां बिल्कुल, तो आई होप मजा आएगा देखने में दोनों फिल्मों को. लेट्स सी. चलो ओके, हम अपने यहां पे एंड करते, जाने से पहले हम बोलेंगे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना, और बेल आइकन जरूर प्रेस करना. तब तक के लिए अलविदा.